वेट वेट ये तो मत ही लो आप लोग, ये तो मेरे शूट के कपड़े हैं, इट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू वेयर. थैंक यू. एक ना मैम, एक ना अभी तो मेरा मेकअप भी आधा है. बैठ करते हैं. लाइट चेंज किया क्या तुमने? दीदी की कैमरा लो, रोल है. जैसे कि नया साल आ रहा है, क्या कुछ प्लानिंग की और नए साल के बारे में? नए साल के लिए ही तो आज हम लोग सब लोग हैं यहाँ पर. तो मैं और अमित खन्ना, सबको पता है हम लोग का कोलैबोरेशन हमेशा सुपर हिट होता है एंड हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं नया करने के लिए. तो इस बार हमने सोचा धमाकेदार एंड होना चाहिए न्यू ईयर, तो इसलिए कुछ बहुत ही अमेजिंग फोटोशूट प्लान कर रहे हैं. क्रिसमस भी आ रहा है, तो इस बार किस तरह से आप क्रिसमस मनाने वाले? क्रिसमस हमेशा मुझे, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी मैनेजर है, वो मुझे हमेशा हर साल क्रिसमस ट्री ला के देती है. सो इट्स लाइक अ रिचुअल. तो आज मेरे शूट के बाद मैं जाऊँगी बांद्रा, क्रिसमस शॉपिंग करूँगी एंड देन घर में अच्छे से डेकोर करूँगी. और इस बार तो मतलब बहुत ही सारे रीजंस है सेलिब्रेट करने के लिए, तो फेस्टिवल्स तो अच्छे से सेलिब्रेट करें. कुछ मेमोरी शेयर करना चाहोगे बचपन के? हाँ हाँ बिल्कुल. क्रिसमस, आई थिंक क्रिसमस वॉज दैट टाइम जहाँ हमें इतना भी वो कल्चर के बारे में पता नहीं था, पर हमेशा हम लोग बहुत प्रभावित थे कि हाँ यू नो सांता क्लॉज, यू नो ट्रीज डेकोरेट कर रही हूँ. तो पापा ने हमेशा वो एक घर में वो एक छोटा सा माहौल हम क्रिएट करते थे ज़रूर, एज यू नो एक फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसे. एंड पापा हमारे सीक्रेट सांता बनते थे, यूज़ टू गिव अस गिफ्ट्स. एंड काफ़ी टाइम तक तो हमने अपने छोटे भाई को बुद्धू भी बनाया कि सच में सांता आके गिफ्ट देके गया, बट हम रखते थे वेरी स्वीट मेमोरीज. कहते हैं कि कोई विश मांगते हैं सांता से तो पूरी हो जाती है, तो आप इस बार क्या विश मांगने वाले? हाँ, मैं सांता से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे आगे के जितने साल हैं सब कुछ बहुत ही पीसफुली जाए, सब कुछ बहुत अच्छे से जाए. मेरे लिए ये बस शांति चाहिए मुझे ज़िंदगी में. बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो आप? नहीं फॉलो कर रही हूँ कोई आपका. और अब तो वो अब तो निकल भी गया ना. हाँ. अब तो क्या ही बचा. कोई फ्रेंड तो, है? कोई फ्रेंड नहीं है मेरा बिग बॉस में, कोई भी नहीं जिसको मैं जानती हूँ. हाँ ऑफकोर्स टीना दत्ता अमित के साथ बहुत शूट्स करती है, दैट्स हाउ आई नो ऑफ टीना दत्ता, बट आई डोंट नो एनीथिंग. कुछ आइडिया है टीना और शालिनी का जो फेक लव चल रहा था? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. हाँ शिव ठाकरे आई नो, मुझे ये नहीं पता बिग बॉस में अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, बट शिव ठाकरे एज अ पर्सन आई नो हिम रोडीज में और बिग बॉस में भी मैं मिल चुकी हूँ उनको. आपको क्या लगता है कौन विनर कौन होगा अभी? मेरे को नहीं लगता इस साल का विनर, मतलब उन लोग बाहर आएंगे तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि शो आई डोंट थिंक सो इज डूइंग दैट वेल. पिछले साल तक इट वॉज अमेजिंग, बट इस साल मुझे नहीं लगता बिग बॉस. तो नया साल आ रहा है, क्या कुछ सरप्राइज देने वाले हो, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो जनवरी से स्टार्ट होंगे, विच आई कैन नॉट टेल यू अबाउट, बट दो गाने ऑलरेडी मैं शूट कर चुकी हूँ. सब OTT का जमाना आ चुका है, वेब सीरीज वगैरह आ रहा है जी. इस बार तो अभय को IMDb ने टॉप 10 रेटिंग दी है, टॉप 10 वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड मोस्ट फेवरेट टॉप 10 वेब सीरीज, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट. आई थिंक दैट्स अ गुड अचीवमेंट. तो अभय के बाद जो प्रोजेक्ट होगा मैं चाहती हूँ कि वो उतना ही वेटेज हो कैरेक्टर को, उतना ही उसमें स्क्रिप्ट में ताकत हो, क्योंकि अगर कहानी अच्छी है तो वो आगे तक जाती ही जाती है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, बट 2023 लुक्स अमेजिंग. थैंक यू मैम. जाते जाते क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे नए साल की? आप सबको पहले तो मीडिया वालों को हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस एंड देन एवरीबडी गाइस थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी. And we are going to come up with many things, but then before that, just sit tight, pray that the year has ended well for everybody, and just wish luck for the new year. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.